भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत किसान आंदोलन के दौरान आज पहली बार हिमाचल पहुंचे और प्रदेश सरकार को कई चेतावनियां दे गए। सेब के रेट गिराने को साजिश करार देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी जितनी ठंडी है इसे वे गर्म करना भी जानते हैं, इसके दिल्ली बनते देर नहीं लगेगी। यहाँ की सरकार कान खोल कर सुन ले, ये जो कंपनियों से समझौते हुए हैं उन्हें ठीक से लागू करें, नहीं तो गोदाम फोड़े जाएंगे तो फिर कहना नहीं। किसान को बस एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। प्रेस क्लब शिमला में किसान नेता ने कहा कि सेब के रेट इसलिए गिरे क्योंकि अदानी ने यहां गोदाम खोले हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल से ही बड़ी कंपनियों ने कृषि क्षेत्र का ताना बाना बुना। 10 साल पहले अदानी ने इसकी शुरुआत हिमाचल में गोदाम बनाकर सेब खरीद से शुरू की। अब देश भर में ऐसा किया जा रहा है। अब 2 महीने किसानों के लिए कीमतें कम कर देश में 10 महीने जनता को लूटा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में रेट गिरने नहीं देंगे, संयुक्त मोर्चा इस मुद्दे को उठाएगा। राकेश टिकैत और क्या कुछ कह गए वो आपको सुनाएंगे। पहले आपको बता दें कि शिमला पहुंचने से पहले सोलन में किसान नेता का खुद को आड़ती बताने वाले एक युवक ने विरोध भी किया। युवक ने जब नारेबाजी नहीं करने को कहा तो टिकैत ने ये तक कह दिया कि ये तेरे बाप की जगह नहीं है, जिस पर जवाब आया तो क्या तेरे बाप की है, और फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले कि मामला बढ़ता पुलिस ने बीच बचाव कर लिया। शिमला में क्या बोले राकेश टिकैत सुनिए। मुद्दा यह है कि दिल्ली में एक आंदोलन चला हुआ है और दिल्ली के आंदोलन को 9 महीने से ज्यादा हो गए, और वो आंदोलन इसलिए है कि बड़ी बड़ी कंपनियां देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहती है। वे दूसरे सेक्टर में आए लेकिन जब उन्होंने एंट्री करना चाहा एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसको बर्बाद करने का ताना बाना इस हिमाचल से ही बुना गया था आज से 10 साल पहले। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सेब के किसानों पर कब्जा कर लिया, अब देश और दुनिया के अनाज पर हमको कब्जा करना है। 10 साल पहले भी हमने उस टाइम पे विरोध किया कि अडानी जैसा एक बड़ी संस्थाएं हिमाचल के सेब बागानों में घुस चुकी है, और उसका आज रिजल्ट देखने को मिला कि जो मंडियां थी, जो हमारा आड़ती सिस्टम था, जो बाहर का व्यापारी यहाँ पे आता था और माल यहाँ से खरीद के और पूरे देश भर में वो भेजता था, आज वो सिस्टम कलेप्स हुआ है। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जब अडानी के हाथ में उसके बड़े बड़े गोदाम यहाँ पे बने, आज जब किसान की फसलें आई उसने अपने गोदामों के दरवाजे खोल ले और मार्केट में हजारों पेटियां सेब की उतारी, मार्केट को डाउन करा गया, और जैसे ही मार्केट डाउन हुआ तो रेट सस्ता करा गया, और सस्ते में माल खरीदने की एक उसकी पूर्ण रूप से परंपरा है कि माल को डाउन करूंगा मार्केट को और सस्ता फसलें किसान की मैं खरीद कर अपने गोदाम भरूंगा, 2 महीने फसलों की कीमतें कम करेंगे और 10 महीने इस देश की जनता को लूटने का काम करा जाएगा। ये यहाँ के सेब के किसानों का हुआ कि 16 रुपया किलो एकदम से मार्केट को डाउन करा गया। हम पूर्ण रूप से इसका विरोध हम करेंगे, इस पे आंदोलन करेंगे, और जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन से हिमाचल के किसान भी उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, हिमाचल में आए हैं, और ये एक लेटेस्ट इशू है कि पिछले 6-7-8 दिन से एक खबरें बहुत प्रमुखता से यहाँ पे चल रही कि अडानी ग्रुप ने यहाँ पे 16 रुपया रेट कम किया है, ये कहा कि इस रेट पे कम पे मैं खरीद करूंगा, तो एकदम से हिमाचल का जो किसान है वो मायूस हुआ है। ये हमको दिक्कत है, तो हम यहाँ पे आए और यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे, बागवान के लोगों से भी बातचीत करेंगे, जो संगठन और जो यहाँ की कमेटियां हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, फार्मर्स जो हैं क्रॉस की पार्टी लाइन बटे हुए हैं, इससे आपको क्या लगता है क्या नुकसान हो रहा है? देखो, फार्मर्स भी वोटर भी है, या कोई नौकरी पैसे करने वाला वो भी वोटर है, और वो बटा तो जरूर रहता है क्योंकि देश में किसान के नाम पे वह भी वोटिंग नहीं है।
एजेंडा अगर मजबूत होगा और संगठन मजबूत होगा तो कोई भी पार्टी आएगी अपनी पॉलिसी हम उसी तरह बनवा सकते हैं।